बच्चे को पेज नंबर 219 का ब्रीद चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जिसमें बच्चे ब्रीद का भाग के बारे में समझेंगे। ये एक ब्रीद है और वह इसका केंद्र बिंदु है, और ब्रीद का जो केंद्र है वह क्या होता है इसके बारे में बच्चे को समझाए। उसमें प्रत्येक बिंदु की दूरी क्या होती है, लंबाई बराबर होती है। उसके बाद बच्चे को ब्रीद की परिधि के बारे में बताइए, जो है ना रेखा की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, जो बच्चे बहुत अच्छे से समझे। और अभी बच्चे सबको याद करने के लिए भी देंगे, मुखस्त करने के लिए, और बच्चे सब अभी लिख रहे हैं उसको, फिर याद करके सुनाएंगे। और एक बच्चे को खड़ा होकर पूछेंगे जो वो समझ रहा है कि नहीं, ब्रीद का केंद्र, ब्रीद की परिधि। इसके बाद बच्चे को ब्रीद की त्रिज्या के बारे में बताएं कि ब्रीद की त्रिज्या क्या है, सर्कल बनाए और उसको दिखाएंगे। पंक्ति की किसी बिंदु तक खींची गई रेखा की लंबाई को ब्रीद की त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर्क से डिनोट किया जाता है। तो सभी बच्चे इसको अच्छा से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और अभी लिख रहे हैं। उसके बाद बच्चों को याद सुनेंगे और देखेंगे जो कौन कौन बच्चे समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। अगर नहीं समझ पा रहा है तो उसको खड़ा होकर फिर समझाएंगे, ताकि उन लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। कहें कि पढ़ना एक पढ़ाई के साथ साथ समझना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, बच्चे तो कॉपी में लिख लेते हैं लेकिन उसको समझ में नहीं आता, तो कहीं ना कहीं समझना बहुत जरूरी है। अब जूली नहीं आई है ना, जूली आ जाए नहीं तो उसको बोलना डेली आने, क्लास सब बोले हैं तुम लोग लिखो हाँ। और सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है जब बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं।